गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे विल बी स्टडी अबाउट पिक्टोपीडिया जी के बुक्स। स्टूडेंट्स, आपके पास क्लास LKG आपके पास ये बुक होगी। ओपन इट दिस बुक, इस बुक को खोलिए। आज हम आप लोगों को सबसे पहले इस बुक का फर्स्ट चैप्टर करवाएंगे। स्टूडेंट्स, टुडे इज डेट 7 May 2020। सबसे पहले इसमें क्या है, इस बुक में सब फर्स्ट चैप्टर है माई फैमिली, मतलब मेरा परिवार। स्टूडेंट्स, आपके परिवार में कितने लोग होते हैं, हाउ मैनी मेम्बर्स इन योर फैमिली, हाउ मैनी मेम्बर्स इन योर फैमिली। स्टूडेंट्स, तो आप क्या बोलेंगे, देयर आर 7 मेम्बर्स इन माई फैमिली, या 5 मेम्बर्स जितने लोग आपके परिवार में होते हैं। कौन होता है, फादर होते हैं, मदर होते हैं, और ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ब्रदर, किसी में सिस्टर, या फिर अगर सिस्टर नहीं होती है तो क्या बोलते हैं, मी मतलब अपने लिए मी बोलते हैं। ओके, मतलब मैं। तो आप कैसे बोलेंगे, जैसे आपसे किसी ने स्टूडेंट्स क्वेश्चन पुटअप किया, हाउ मैनी मेम्बर्स इन योर फैमिली, तो आप क्या बोलेंगे, देयर आर 5 मेम्बर्स, या देयर आर 6 मेम्बर्स इन माई फैमिली, जितने मेम्बर्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फादर मीन्स पापा हो गए, पिताजी हो गए, मदर मीन्स माता जी हो गई, ब्रदर मीन्स भाई हो गया, ग्रैंडफादर मीन्स क्या होता है, बाबा जी होते हैं, ग्रैंडमदर मीन्स क्या होती है, दादी माँ होती है ना, जिनको आप दादी बोलते हो, एंड मी मतलब अपने लिए, मतलब मैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इतने, इसलिए अब आपको क्या करना है, माई फैमिली अपने परिवार के बारे में लिखना है। ये लिखना है देखिए इस तरीके से, जैसे दिया है ना, हाउ मैनी मेम्बर्स इन योर फैमिली, ये दिया है ना क्वेश्चन, तो आप क्या लिखेंगे, देयर आर 7 मेम्बर्स इन माई फैमिली। आपसे कोई भी पूछेगा हाउ मैनी मेम्बर्स इन योर फैमिली, देयर आर 7 मेम्बर्स, देयर आर 5 मेम्बर्स, या देयर आर 3 मेम्बर्स इन माई फैमिली। ठीक है, जैसे मदर हो गई, मदर मतलब माता जी हो गई, फादर मतलब पापा जी हो गए, पापा जी या पिताजी। ठीक है, ब्रदर मतलब भाई, सिस्टर मतलब बहन, ग्रैंड फादर मतलब दादाजी या बाबा जी, इनको बोलते हैं आप लोग दादाजी, ग्रैंड मदर मीन्स दादी जी, मी मतलब मैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है। ओके, आज का आपका होमवर्क है कि आपको जैसे इस तरीके से, ये इस चैप्टर से है ना, चैप्टर में दिया, तो मैंने इसको कॉपी में आपको लिख के दिखाया है, आपको इस तरीके से अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। ओके, हाउ मैनी मेम्बर्स इन योर फैमिली, किसी ने क्वेश्चन आपसे पुटअप किया, जैसे आपका नाम कुछ भी हो गया, आपका नाम हो गया अनन्या, तो आपने आपसे पूछा हाउ मैनी मेम्बर्स इन योर फैमिली अनन्या, तो आप क्या कहोगी, देयर आर 7 मेम्बर्स इन माई फैमिली, या देयर आर 5 मेम्बर्स इन माई फैमिली, मदर माता जी, फादर पापा जी, ब्रदर भाई, सिस्टर बहन, ग्रैंड फादर दादाजी, ग्रैंड मदर दादी जी, मी मतलब मैं। ओके, अपने लिए यूज़ करते हैं, समझ में आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होमवर्क आपका नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा आपकी जीके की कॉपी में होना चाहिए, और लर्न होना चाहिए, मतलब याद होना चाहिए कि आपको ये लर्न करना है कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, कौन कौन से होते हैं, इनको क्या कहते हैं। समझ में आ गया, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।